झांसी में अल अंसार हज और उमरा टूर्स के बैनर तले आज उमरा पर जाने वाले यात्रियों को ट्रेनिंग दी गई। इस मौके पर शहर काजी मुफ्ती साबिर कासमी ने हज पर जाने वाले यात्रियों को वहां के एक एक अरकान को बड़े ही विस्तृत तरीके से समझाया। मुफ्ती साबिर कासमी ने बताया कि उमरा यात्रा पर जाने वाले हाजियों को कौन कौन से अरकान और किस जगह अदा करना है। इसके साथ ही अल अंसार हज और उमरा टूर्स के ऑर्गेनाइजर कारी अंसार ने बताया कि इस बार उमरा टूर्स पर 72 लोगों का जत्था जा रहा है। झांसी से इतनी बड़ी तादाद में पहली बार उमरा टूर जा रहा है जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। आज की इस ट्रेनिंग कैंप में मुफ्ती साबिर कासमी के अलावा मौलाना सैफुद्दीन मौलाना, एजाज मौलाना, इदरीस मौलाना, रिजवान मुफ्ती, अनस मुफ्ती, खालिद मौलाना, फुरकान मुफ्ती रईस, कासिफ समीम सिद्दीकी, कारी हसीब साहब, हाफिज रियाज आदि मौजूद रहे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कारी मोहम्मद अंसार, अल अंसार टूर एंड ट्रेवल का ऑर्गेनाइज़र जी आपकी तरफ मुखातिब है। उमरे के लिए अल अंसार टूर्स की तरफ से माशाअल्लाह तकरीबन 72 उमरा करने वाले आज़मीन उमरा जा रहे हैं। ये झांसी के लिए भी बड़ी सआदत है क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप इससे पहले नहीं गया और शहर के तमाम। झांसी से मोहम्मद सैफ की रिपोर्ट। शुद्धता की कसौटी पर एकदम खरा पांडे मिष्ठान भंडार, यह सिर्फ बरुआ सागर में नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। सन 1963 से आज तक विश्वास और स्वाद का दूसरा नाम है पांडे मिष्ठान भंडार। नाम सुनकर मुंह में आ जाए पानी, यही तो है पांडे जी के रसगुल्ले की निशानी। तो फिर देर क्यों भैया, आइए और नए वर्ष पर अपना मुंह मीठा कीजिए पांडे मिष्ठान भंडार बस।